ஒரு கதை இருக்கு, அதுல ஒரு கொலை நடந்திருக்கு. கொலைகாரன் யாருன்னு கண்டுபிடி. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க, மேல சொல்ல. பேர் என்ன? அனுராதா. உன் அப்பா பேரு? கணேசன். हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नवंबर स्टोरी के रिव्यू के बारे में, जो कि बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी है। इसको इस तरह से डायरेक्ट किया गया है कि इसके बारे में आप जो भी अंदाज़ा लगाओगे वो बिल्कुल गलत होगा। कहानी एक राइटर की है जो क्राइम थ्रिलर जैसी कहानियाँ लिखते हैं। राइटर को अल्जाइमर नाम की खतरनाक बीमारी होती है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त खोने लग जाती है, और इसलिए वो सारी यादें और पिक्चर दीवार पर चिपका के रखते हैं, क्योंकि वो अपनी लास्ट कहानी को कंप्लीट करना चाहते हैं। कहानी में सस्पेंस तब आता है जब राइटर के पुराने घर में किसी का मर्डर हो जाता है। वो घर जिसको राइटर की बेटी बेचना चाहती है और राइटर मना कर देते हैं, और लाश के पीठ पर किसी पेन से 47 बार घाव किए होते हैं। तो देखना ये है कि ये मर्डर किसने किया है। छठे एपिसोड तक आप सिर्फ अंदाज़ा ही लगाते रहेंगे, लेकिन सातवें एपिसोड में आपका सारा अंदाज़ा धरा का धरा रह जाएगा और मिस्ट्री कुछ और ही निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स, ये वेब सीरीज़ आपको हिंदी, तमिल और इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिल जाएगा। आपको पूरी स्टोरी देखने के लिए जाना होगा डिज्नी हॉटस्टार पर।